वफाकी हुकूमत इंशाल्लाह अपनी टर्म पूरी करेगी और मुल्क की बेहतरी के लिए तमाम इकदामात बरूए कार लाएगी। इस सिलसिले में इबहाम फैलाने से और शोशे छोड़ने से गुरेज किया जाना चाहिए। यह तूफान जो उठाया गया यह भी थमेगा और इसके आगे बंद भी बांधा जाएगा। पीटीआई का दबाव मुस्तरद, आम इंतखाबात मुकर्रर वक्त पर कराने का ऐलान। वजीर आजम की जेर सदारत इत्तेहादी जमातों के बड़ों का इजलास। पंजाब हुकूमत बचाने के लिए ऑप्शंस पर गौर। इमरान खान पर शैतान उतरते हैं, ख्वाजा साद रफीक की प्रेस कॉन्फ्रेंस। जो फेल तुम्हारे लिए ठीक है वो तुम्हें सूट करता है इमरान खान, वो ठीक है, तुम दूध के धुले हुए हो, और जो बात तुम्हारी मर्जी के खिलाफ हो वो गलत। क्योंकि इस आदमी को, जो गुमराह आदमी है, और ये वो शख्स है जिस पर शयातीन उतरते हैं, मैं चौथी बार ये बात कह रहा हूँ इसके बारे में, इस पर शयातीन उतरते हैं। आम इंतखाबात की तारीख जो है वो शहबाज शरीफ साहब हमें दें, हम उनके साथ उसके बाद जो है पार्लियामेंट में जाके या बगैर हम बातचीत करने को तैयार हैं। इस वक्त ये हुकूमत वेंटिलेटर के ऊपर है, उसका स्विच ऑन ऑफ करना हमारे पास है। और अगर आज सदर ममलिकत आरिफ अलवी साहब शहबाज शरीफ साहब को एतमाद का वोट लेने का कहेंगे, ये नहीं ले पाएंगे। शहबाज शरीफ से इलेक्शन की तारीख देने का मुतालबा, सदर वजीर आजम से एतमाद का वोट लेने का कहें तो ये अरकान पूरे नहीं कर सकते। मिस्टर एक्स और वाई खत्म हो गए, फवाद चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। राना सना और अतातारा नासूर करार, अरकान असम्बली को उठाने वालों का भी जिक्र खैर। इन इलेक्शन के बाद जिन्होंने उठाना था वही इनकारी हो गए हैं सर, बिकॉज़ अब वो राणा सनाउल्लाह और उन्होंने कोशिश की है कोई एक दो दिन से, लेकिन जो जिन्होंने उठाना था उन्होंने कहा भाईजान अपनी अपनी के इलेक्शन करा दो, इलेक्शन करा दो, इलेक्शन तुम्हें पहले भी कहा था, कान खोल कर सुन लो, इलेक्शन तब होगा जब मौजूदा हुकूमत और इलेक्शन कमीशन चाहेगा। ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान को जावेद इकबाल बनाना चाहता है। अदारों को चाहिए आईन के मुताबिक इसके ऊपर कार्रवाई करें, फॉरेन फंडिंग का केस का फैसला दें। पीटीआई को इंतखाबात की तारीख के मुतालिबे पर जवाब, फॉरेन फंडिंग केस की फौरी फैसले पर जोर। इमरान खान चीफ इलेक्शन कमिश्नर को जावेद इकबाल बनाना चाहते हैं, मरियम औरंगजेब की पीटीआई चेयरमैन पर तनकीद। लोगों को कम से कम अपने बच्चों की गिनती आती है, तुम्हें तो अपने बच्चों की गिनती नहीं पता। लोगों पे मिस डिक्लेरेशन ऑफ एसेट्स की बात करते हो, तुमने अपने बच्चों की मिस डिक्लेरेशन की हुई है, ये इसकी असलियत है। ये इस्लाम के लेक्चर देता है जिसको अपने बच्चों का नहीं पता वो कितने हैं। जिस बच्ची की मां का इंटरव्यू मौजूद है कि इमरान खान उसका बाप है, उसको तस्लीम नहीं कर सकता। सिंध से हुक्मरान खानदान की छुट्टी का दावा, जल्द अवाम की हुक्मरानी होगी। असद उमर का हैदराबाद में खिताब, कहते हैं कल तक धमकियां देने वाले आज मिन्नतें कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन के कोविड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी, कराची भर में बैनर्स पैनाफ्लेक्स के खिलाफ ऑपरेशन। डीआईजी ईस्ट ऑफिस में बल्दियाती इंतखाबात की सिक्योरिटी इंतजामात का जायजा लेने के लिए इजलास। इंतहाई हसास पोलिंग स्टेशन पर 8 जवान और हसास पोलिंग स्टेशन पर 4 जवान तैनात करने का फैसला। बल्दियाती कवानीन में तमाम जमातों की मुशावरत से बेहतरी लाने की कोशिशें। सिंध असम्बली की सेलेक्ट कमेटी का इजलास, नासिर हुसैन शाह कहते हैं कि लगता है इमरान खान फॉरेन फंडिंग केस के फैसले पर असरअंदाज होने के लिए इलेक्शन कमीशन पर दबाव डाल रहे हैं। इस वक्त इलेक्शन कमीशन जो अंधा और काणा हुआ हुआ है वो अपनी आंखें खोले, नहीं तो हाथ जोड़ते हैं, रिजाइन करें और यहां से जाएं, हमारी जान छोड़ें। इलेक्शन कमीशन फेज वन के अंदर भी सिंध के अंदर मुकम्मल तौर पर नाकाम हुआ फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराने में। इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की एक
एक हिस्सा बनकर, एक उसका पार्टी बनकर काम कर रही है। खुर्रम शेरजमान की इलेक्शन कमीशन पर तनकीद, पीपल्स पार्टी पर बल्दियाती इंतखाबात के लिए धांधली की प्लानिंग का इल्जाम, मुत्तहिदा टूट फूट की शिकार है, कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस, मेयर पीटीआई का मुंतखब होने का दावा। मेरा कराची का जो पीटीआई का मेयर आएगा वो चीफ जस्टिस की अदालत में जाकर, चीफ जस्टिस साहब के पैरों के ऊपर भी जाके गिरना पड़ा तो गिरेगा जाके, कि चीफ जस्टिस साहब आर्टिकल 140A को आप इंप्लीमेंट कराएं, वो आपको कराची का पीटीआई का मेयर वो करवाता हुआ नजर आएगा। 22 मार्च को शाहराह कायदीन पर हक दो कराची मार्च का ऐलान, हाफिज नईम कहते हैं अपने नहीं शहर के लिए वोट मांग रहे हैं, मास ट्रांसिस प्रोग्राम मुकम्मल करवाया जाएगा। वजीर आला सिंध की जेर सदारत इजलास, पीपल्स बस सर्विस रूट्स पर तबादला ख्याल, मुराद अली शाह ने जल्द अज जल्द तमाम स्टॉप बनाने की हिदायत कर दी, जल्द पावर हाउस से बसेस चलाना शुरू हो जाएंगी, वजीर ट्रांसपोर्ट शर्जील मेमन की ब्रीफिंग। न्यू कराची सेक्टर 5D में घरों के सामने कचरे के अंबार, इलाके से बारिश और गटर का पानी अभी तक निकाला ना जा सका। गुलशन इकबाल 13D में आवाम के सब्र का पैमाना लग रहे, 20 रोज से गटर का साफ पानी ना होने पर एहतजाज, अहम सड़क ब्लॉक, मुर्तजा वहाब से मसाइल हल कराने का मुतालबा। बल्दिया टाउन रूबी मोड पर बेकरी का सफाया, भूखे डकैत रकम के साथ साथ नाश्ते के लिए डबल रोटी भी ले उड़े, सीसीटीवी फुटेज K21 न्यूज पर। तवानाई बहरान पर काबू पाने की कोशिशें फिर शुरू, कराची में कारोबारी औकात कार तब्दील, बाजार तजारती मराकज और सुपर स्टोर्स रात 9 बजे बंद करने का हुक्म जारी, शादी हॉल बैंकवेट्स और तकरीब 10:30 बजे तक खत्म करने की पाबंदी। बिजली महंगी करने का प्लान, टैरिफ 7.91 रुपए बढ़ाने की दरखास्त, नेपरा में समाप्त कल होगी, जुलाई से 3.50 रुपए यूनिट इजाफे की तजवीज। अमरीकी रिटर्निंग एजेंसी ने पाकिस्तान का आउटलुक मुस्तहकम से मनफी कर दिया, सियासी अदम इस्तेहकाम, कमजोर हुकूमती इत्तेहाद और जल्द इलेक्शन सबब करार, IMF मुहायदे पर अमल दरामद और जून 2023 के बाद फंडिंग के हुसूल पर खदशात हैं, फिच की रिपोर्ट आ गई। गोल्ड टेस्ट दिलचस्प मरहले में दाखिल, पाकिस्तान को फतह के लिए 120 रन और श्रीलंका को 7 विकेटें दरकार, अब्दुल्ला शफी की शानदार सेंचुरी ने कौमी टीम की पोजीशन मजबूत कर दी। इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड के सिक्योरिटी वफ्द की नेशनल स्टेडियम आमद, मुख्तलिफ मकामात का जायजा, एयरपोर्ट होटल और स्टेडियम के रूट का जायजा, इंग्लैंड की टीम का अरवां साल दौरा शेड्यूल। What do we have here? Yeah, here I thought we were special. Fellas, this here's Bagman. Hangman. Whatever. What the hell kind of mission is this? Maverick Mitchell. What that is, I can't imagine. We're going into combat on a level no living pilot's ever seen. Your pilots, anything happens to them, you'll never forgive yourself. और टॉम क्रूज की टॉप गन 2 का जादू सर चढ़कर बोलने लगा, फिल्म ने रिलीज से अब तक 2.5 खरब रुपए का बिजनेस कर लिया।